दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं दानव जीवन। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बनारस में, बनारस के मैं BHU कैंपस में हूँ, जो काशी विश्वनाथ मंदिर है वहाँ पर मैं खड़ा हूँ। और आज समाजवादी पार्टी की भी रैली है, तो वहीं प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की भी आज रैली हो रही है, और आखिरी चरण जो है वो यहीं से होना है, बनारस में ही आखिरी चरण है। उसके बाद बेहद जल्दी वो तारीख आने वाली है जब ये तय हो जाएगा कि अगला मुख्यमंत्री कौन बन रहा है यूपी का। तो मेरे साथ यहाँ बहुत सारे काफ़ी क्राउड है, हम लोगों से बात करना चाहेंगे कि इस वक्त क्या मुद्दे हैं यूपी के, और आखिरी चरण में किसको देख रहे हैं, क्या बदलाव हुआ है या नहीं हुआ, या फिर हवा बदल रही है, या इतिहास दोहराया जाएगा जैसा इतिहास है यूपी का कि किसी को भी रिपीट नहीं किया, क्या इस बार रिपीट करेगी या नहीं करेगी। पीछे काफ़ी लोग बैठे हैं, उनसे बात करना चाहेंगे और जानेंगे। अच्छा, युवा है, युवा से शुरुआत करेंगे पहले। पीछे जी, क्या नाम है आपका? जी प्रशांत मिश्रा। प्रशांत मिश्रा, तो आप युवा हो, युवा यूपी के चुनाव चल रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? सर बीजेपी है। बीजेपी क्यों है? बीजेपी सर क्योंकि सर राम मंदिर का भी मुद्दा उठा था सर, और सर और भी शिक्षाओं में सर नई शिक्षा नीति आई हुई है, उस दृष्टिकोण से देखने पर हमें लगता है सर बीजेपी आएगी। नई शिक्षा नीति आई हुई है, उस तरीके से देखने पर आएगी। यस सर। लेकिन युवा जो इतने सारे विरोध कर रहे हैं, जॉब्स नहीं है, रोजगार नहीं सर, ये सर जरूरी है। हम कहेंगे जरूर उनसे कि सर देखिए, युवा अगर पढ़ रहे हैं तो किसी मकसद को लेकर के पढ़ाई हो रही है, किसी भी क्षेत्र में वो जाना चाहते हैं, उस क्षेत्र के वैकेंसीज नहीं निकल पा रही हैं, और निकल भी रहे हैं सर, जैसे कि अभी SI वाला निकला था, उसमें सर देखिए धांधली हो गया। तो यही चीज़ हम चाहते हैं सर, सरकार से हमारा अनुरोध है सर कि आगे अगर हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, अगर हम मेहनत कर रहे हैं उस चीज़ के लिए, तो हमें उस चीज़ अचीव होनी चाहिए वाकई में, उसमें धांधली नहीं होनी चाहिए। जी सर। फ्यूचर नहीं दिखाई दे रहा? फ्यूचर नहीं दिखा, मतलब फ्यूचर है सर, फ्यूचर है, बिल्कुल है, लेकिन अगर हम पढ़ाई करें किसी चीज़ को लेकर के, तो उसमें उस अचीवमेंट को हमें पाने के लिए कि हर सरकार हम लोग का सपोर्ट करे, वैकेंसीज निकाले। आर्मी की सर देखिए सर, कई सालों से कटौती हो गई है, कटौती हो गई है, मतलब रैलियां हो रही हैं तो भर्तियां क्यों नहीं हो सकती हैं? रैलियों में कोरोना नहीं है, लेकिन भर्तियों में कोरोना हो सकता है। तो यही सर, पिछली रैली होने वाली थी यहाँ पर सर कैंट में, वो भी सर रुकी हुई है, हम लोग दौड़ते उड़ते हैं उसके लिए भी सर कोई मतलब नहीं हो पा रहा है। आप भी युवा हो, क्या नाम है? अजीत यादव। अजीत यादव जी, तो क्या चल रहा है इस बार युवाओं का मुद्दा? समाजवादी पार्टी। मुद्दा क्या? मुद्दा यही है सर कि देखिए, बेरोजगारी बढ़ चुकी है, महंगाई बढ़ चुकी है, हर एक चीज़ मतलब सब लोग हर एक परिवार को प्रॉब्लम है, इसीलिए सर कहीं सपा सरकार आती है तो बहुत ही परिवर्तन होगा। और आखिरी चरण के चुनाव, अच्छा आप कहाँ से हैं? हम चंदौली से हैं सर। अच्छा, आखिरी चरण के चुनाव यहीं पर ही है इस बार, मतलब आज प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं, अखिलेश यादव भी आ रहे हैं, दोनों की रैलियाँ हो रही है, लग रहा है रैलियों में भीड़ जो आती है इससे चुनाव जीता जा सकता है, या बाकी में मुद्दों पे चुनाव होना चाहिए? नहीं नहीं, मुद्दों पे चुनाव होना चाहिए, रैलियों में भीड़ तो ये देखिए बीजेपी की काम है कि मतलब कि पैसा देकर बुला लेती है लोगों को। अच्छा। हाँ, नहीं तो देखिए कहीं देखते हैं होंगे आप कि मतलब कि ऐसे ही प्रधानमंत्री गए थे, कुर्सियाँ खाली थी, अब समझ जाइए उसी से। अच्छा, इस बार बदलाव देखिए, अभी देखिए हमारे मोबाइल पे फोन आया था, कोचिंग में थे, तो अब बीजेपी को मतलब वोट दीजिए, ये करिए वो करिए, इसको लेकर फोन आ रहा है, बताइए ये कोई मुद्दा है? किसी और पार्टी का है? नहीं, अरे और किसी पार्टी का नहीं है, मतलब आप हर एक चीज़ को किन चुके हैं, मीडिया किन चुके हैं। अच्छा। जब भी देखिए तो बात करती है तो बीजेपी की बात करती है मीडिया। लेकिन हम तो आपकी सुन रहे हैं। नहीं, आप सुन रहे हैं, ठीक है। देखिए हम सोचते हैं कि मतलब कि जैसे आप लोग आ जा रहे हैं, वैसे 5 साल में हर एक महीने में आकर बात करिए हर एक लोग से, और हम लोग का खबर जो है सरकार तक पहुँचाइए, पहुँचानी चाहिए। लेकिन समस्या ही होती है, इतना बड़ा देश है, हर जगह नहीं जाते। अब मान लीजिए अभी हम बंगाल में थे, बंगाल चुनाव चल रहे थे, तब वहाँ के लोगों की समस्या सुनी, अब यहाँ से खत्म हो के राजस्थान, मध्य प्रदेश के चले जाएंगे, तो वही ना दिक्कत है। अब जब वही दिक्कत है, थोड़ा और बड़ा होना चाहिए, हर एक लोग की समस्या है। बदलाव एकदम पक्का है सर, एकदम बदलाव, सरकार बन रही है, सरकार बन रही है। आप किसकी सरकार बनवा रहे हैं? सर संदीप यादव। हाँ सर, हम भी सपा के ही सपोर्ट पे हैं, ये अजीत सर, ये अजीत जो भाई हैं हमारे, उन्हीं की तरफ से हैं। हाँ सर, वजह क्या है? एक ही मुद्दा है, महंगाई बेरोजगारी। हाँ सर, हाँ सर, मुद्दा कुछ सरकार ने क्या विकास करा दिए, रोड अच्छे बना दिए, फ्री राशन, ये तो है सर कि राशन दे रहे हैं और रोड तो बनाए हैं सर, पहले तो नहीं थे, अब तो जाइए चारों मुद्दे पे। क्या सर? रोड और राशन? सर राशन और रोड के मुद्दे पे तो मिलना चाहिए, लेकिन सर और बहुत से ये कोई मुद्दा नहीं हुआ सर कि राशन के, हम राशन देखकर वो वोट दे दें, कहीं हम दे रहे हैं, आप सोच लीजिए कि यहाँ हम 70 रुपया के तेल किन रहे थे, वहाँ हम 200 रुपया लीटर तेल किनने लगे खाने वाला, और अब समझ जाइए कि हम राशन और रोड पे वोट नहीं, और उस पर एकदम नहीं मिलेगा। युवा बदलाव देखिए। हाँ, एकदम बदलाव है सर, एकदम बदलाव है, और लोगों से जानना चाहेंगे। पीछे सेल्फी ले रहे हैं,
चलिए पीछे एक दो युवा और आए हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है सर? मेरा नाम सौंदर्य है और मैं यहाँ पर एक देखिए जो देखा हूँ ना, ये श्रीमती बसंती देवी लिखा है यानी बेसेंट का यहाँ पर, तो ये मतलब मुझे लग रहा है हिस्टोरिकल मतलब गलत है, तो इसको अगर प्रशासन देखे तो या तो इसको सुधरवाए या जो भी एक्शन लेना हो। तो अच्छा, अब यूपी चुनाव की बात करें तो क्या चल रहा है यूपी चुनाव? अब यूपी चुनाव अब खत्म होने के कगार पर है, आखिरी चरण है। हाँ, तो अभी 7 तारीख को है ना एक और चरण, तो आज भी हो रहा है अम्बेडकर नगर और गोरखपुर में। तो हाँ, तो अपना बस यही है कि सब लोग अच्छे से अपना वोटिंग करें, ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज में वोटिंग होगा तो उससे मतलब हमारे। क्या चल रहा है मुद्दे? यही चल रहे हैं कि फिलहाल जमीनी तो कोई मुद्दा चल नहीं रहा है कि हमने मंदिर बना दिया, ये सब हिजाब और ये उल्टा सीधा, ये सब मुद्दे चल रहे हैं। हाँ, जबकि सब चलना नहीं चाहिए। और महंगाई बेरोजगारी, हाँ ये होना चाहिए, महंगाई बेरोजगारी और जो मतलब जितने भी स्टूडेंट कोई समस्या हो रही, कितना दिन से कॉलेज और यूनिवर्सिटी सब बंद हैं और उनका कैसे कैसे वो बेचारे मतलब घर से न तो नेटवर्क, कभी क्लास कट जाता है, कभी कुछ भी, उनका इतना समस्या हो जाता है कि वो बेचारे सही से अपनी पढ़ाई नहीं पूरी कर पा रहे हैं। तो उनका हाँ, तो उनके लिए बस यही हो कि अच्छे जो भी उनका खोल दिया गया, मान लीजिए अभी हम लोग अभी 21 मार्च से अभी खुलेगा फर्स्ट सेमेस्टर और फर्स्ट ईयर वालों का, अभी मान लीजिए लास्ट ईयर वालों को चल रहा है क्लास यहाँ पर BHU में भी। तो बस यही है कि अच्छे से जितना भी टाइम है सब प्रोफेसर लोग भी सब लोग अच्छे से पढ़ाएं। बार युवाओं का मुद्दा रोजगार का मुद्दा। हाँ, रोजगार ही है और हमेशा रहेगा, क्योंकि हाँ क्योंकि इसी से सबका भला होगा। बाकी और सब चीज़ें तो मान लीजिए सब अपनी संस्कृति है, वो सब अपना फॉलो कर ही लेते हैं कैसे ना कैसे तरीके। रोजगार चाहिए, रोजगार सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप क्या सोचते हैं, युवा तो रोजगार मांग, रोजगार तो मांग रहे हैं, ठीक है, लेकिन रोजगार हम कुछ करेंगे तब ना। हम बस सोचते हैं कि सरकारी नौकरी मिल जाए, ठहर से घर में जाकर लंबे हो जाएं, ऐसा नहीं है। मोदी जी और योगी जी ने कोई ख़राब काम नहीं किया, बहुत अच्छा किया है। क्या अच्छा काम किया है? ये सब देखिए, हम जात पात पे नहीं कहना चाहते किसी को, जो मंदिर बना दिया मस्जिद बना दिया। मोदी जी के आने के बाद हर आदमी एक तो जो काला पैसा रखा था वो बाहर किया, और कितना काला धन आया जो भी आया, हम कोई सबके काउंट थोड़ो करके बैठे नहीं। आप नहीं, अगर आप एक बात को कह रहे हैं तो वो पता भी होनी चाहिए। जाते थे बैंक में जमा करके चुपके से घर में रख देते थे, अब ना वो घर में रख रहे, खर्च कर रहे हो, उसका भी हिसाब दो कितना कहाँ से आया सब बताओ। तो ये पेमेंट करते हैं तो सब कुछ साफ साफ दिख जाता है, एक चाय पत्ती से लेके जो भी खर्च करते हैं, कोई भी चीज़ है। हमें अच्छा लग रहा है कि हम हर चीज़ डिजिटल कर रहे हैं, और हम कोई हिसाब भूल भी जाते हैं तो भी हमें थोड़ा सा मेहनत कर याद आ जाता है कि हमने ये चीज़ इस समय खर्च करी थी। डिजिटल जो कर रहा है वो क्रेडिट मोदी जी को जाता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो भी कुछ जो भी अच्छा और बुरा जो भी हम देख रहे हैं सब हम इस समय महसूस कर रहे हैं। जैसे देख रहे हैं अच्छा अच्छा, तो सब कुछ ही अच्छा हो रहा है। 4-5 चीज़ है, कुछ नहीं सब अच्छा हो रहा है, कुछ बता नहीं तो दीजिए, वो 4-5 चीज़ें बताएं। सबसे पहले आप डिजिटल पेमेंट करना सीख गए, एक झोपड़ी में रहने वाला आदमी भी जानता है कि पेटीएम और एटीएम क्या होता है, और दूसरा हर आदमी ऑनलाइन कुछ तो जाना है इस बीमारी में कि ऑनलाइन पढ़ाई भी होती है। डिजिटल करना सीख गए मोदी जी की वजह से, और अच्छे काम किए। और तो जब कुछ करोगे खुद अच्छा होता ही चला जाएगा, कुछ करोगे नहीं तो कुछ नहीं अच्छा होगा। काम मेहनत करनी पड़ेगी। मैं फिजिकली डिसेबल हूँ लेकिन मैं अपने आप को नहीं समझता। मंदिर बना दिया जो आज तक किसी भी कोर्ट का फैसला था, कोर्ट का फैसला क्या कोर्ट मोदी जी चला? नहीं नहीं, हम सब जानते, हम कोशिश नहीं कर। यहाँ पे रोड का चारों तरफ आप घूम सकते हैं, बनारस से लेके क्या इधर पूर्वांचल में कोई भी रोड हो आप देख सकते हैं, वो सब रोड आप अभी आए होंगे आप उसी रास्ते से, वैसा रोड आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये चीज़ हम जानना चाहते हैं सर। दूसरा चीज़ आपको बता रहे हैं हम कि जैसे रोड पे पहले टोल होता था, टोल पे हम लोगों को कम से कम 1-1 घंटा झेलना पड़ता था, वो चीज़ नहीं झेलना पड़ रहा है। आज के डेट में आपका कैशलेस हो गया है, 2 मिनट में निकलिए, ठीक है ये चीज़ हो गया। फिर हमारा जो है कॉरिडोर का काम हुआ है, फिर हमारा जो BHU कैंसर हॉस्पिटल बना है अभी, ठीक है सर। उसके बाद हमारे बनारस में आप कोई भी स्टेशन हाल्ट से लेके आप स्टेशन से लेके कहीं भी चले जाइए, अगर एक भी जगह कोई भी बंदा कह दे कि काम ना हुआ हो तो यहाँ पे मतलब वो एकदम निंदनीय हो जी सर, काम हुआ है। सर हम स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट के क्या मुद्दे? यही है सर कि हमें रोज़गार नहीं मिल रहा है, और सर शिक्षा लेवल में कुछ अभी तक मोदी योगी सरकार में कुछ हुआ नहीं है, और सबसे बड़ी चीज़ है विकास भी नहीं हुआ है सर उतना। और स्टूडेंट जो हुए हैं इलाहाबाद में उन पर लाठीचार्ज हुई, इसकी मैं निंदा करूँगा। थैंक यू।
आदिलाबाद में मैं अभी होकर आ रहा हूँ, कम से कम 2 से 2500 स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, वो यहाँ तक कि उन्होंने यूनिवर्सिटी के गेट भी बंद। वहाँ पे सर कम से कम इन स्टूडेंटों पर लाठीचार्ज नहीं करनी चाहिए, उनके मुद्दे को कम से कम योगी सरकार को सुनना चाहिए। हॉस्टल में घुस के मारा गया, ये सर लोकतंत्र, इसके तो स्टूडेंट नाराज हैं, छात्र नाराज हैं, रोजगार को लेकर शिक्षा शिक्षा का स्तर क्या कर रहे हैं इस बार? हम लोग जय अखिलेश के साथ जाएंगे सर। आप बताइए, युवा तो का तो एक ही मुद्दा है, रोजगार नहीं है। जी जी नहीं, रोजगार तो है सर, ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल रोजगार ही नहीं है। कितना रोजगार है? जितना सरकार ने दिया अच्छा ही दिया। पढ़ाई लिखाई जब लोग पढ़ेंगे तभी तो पढ़ाई होगी, पढ़ाई का कोई पढ़ाएगा? जो पढ़े लिखे नहीं होंगे वो कहाँ जाएंगे? उनको रोजगार नहीं मिलना चाहिए, कहीं नहीं मिलना चाहिए। तो उनके बता, पकौड़ी का ठेरा लगाएंगे, बताए तो थे मोदी जी। नहीं, वो उन लोग लिखे वालों में से भर्ती नहीं आई। मेरा सवाल आपसे था, जो लोग पढ़े लिखे नहीं है वो कहाँ जाएंगे? वो भी सर रोजगार ढूंढेंगे, ढूंढेंगे मतलब सरकार कुछ अपॉर्चुनिटी मिली? सरकार काहे नहीं दे रही है सर, बहुत कुछ दे रही है सरकार तो। क्या बोल रहे हैं, पूछे प्रश्न। सवाल ये है, यूपी चुनाव आने वाला है, आखिरी दौर यहाँ का चलने वाला है, क्या हो रहा है इस बार? बिल्कुल वही हो रहा है हर बार की तरह, जो सत्ता पक्ष के साथ रोजगार का मुद्दा वो गौन है। एक ध्रुवीकरण की राजनीति चल रही है कि एक पाला दूसरे पाला पे जाएं, जो बेसिक मुद्दे हैं वो गौन है। जैसे रोजगार हुआ, शिक्षा हुआ, ठीक है ना, किसान के मुद्दा हुआ, महंगाई हुआ, सिलेंडर हुआ, पेट्रोलियम का दाम देख रहे हैं आतीत है, अभी युद्ध की संकट है और बढ़ेगा दाम, इसके कारण ये इसीलिए रोक रखे हैं क्योंकि सरकार को पता है अगर अभी बढ़ा दिए तो समस्या आ जाएगी चुनाव। आप देखिएगा 10 तारीख का जैसी बात होगा ना, 150 रुपये पार हिसाब से 150 से परस जाएगा। हाँ, चूंकि अंतर्राष्ट्रीय संकट गहराएगा और अपना जो ये रिजर्व बैंक में जो इनका रिजर्व मनी था वो भी छोड़ दिए, अब बचा नहीं कुछ इनके पास सिवाय ये ढिंढोरा पीटेंगे सिर्फ, बस सिर्फ ढिंढोरा ही पिटा रहा है। ऐसे आप ठीक है, देश युवा क्या कर रहा है, क्या युवा क्या कर रहा है, बदलाव देख रहा है? वोट देंगे, मुद्दे पे वोट देंगे हम लोग। ठीक है, आप बताइए क्या नाम है? जी मेरा नाम देवेंद्र सिंह है। जी मैं इस बार यूपी में तो यही है, लोगों को हसीन वही मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाए जा रहे हैं। अच्छा। देश को। अच्छा। जनता को हमारे, और ये जो कि बहुत ही दुखद है और ऐसा नहीं होना चाहिए। जो अच्छा, दिखा कौन रहा है सपने, कौन दिखा सपने? हमारे आज करीब 8 साल हो गया मोदी जी ही हैं और हमारे बनारस से सांसद भी हैं। हाँ। और उन्हीं सपने तो वही दिखा रहे हैं युवाओं को। हाँ सर, जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मोदी जी ही दिखा रहे हैं। क्या हो रहा है फिर इस बार? तो लोग परिवर्तन, जनता जिस हिसाब से चारों तरफ लहर आ रहा है इस हिसाब से तो परिवर्तन का ही लक्ष्य दिख रहा है। जी बिल्कुल, आप बताइए युवा हैं आप, क्या नाम है आपका? माय नेम इज सुजीत कुमार। मेरा गवर्नमेंट से बस यही कहना है कि ठीक है, मुझे किसी गवर्नमेंट से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन शिकायत एक है कि हर स्टेट में, जैसे हर स्टेट में स्थानीयता चलती है लेकिन यूपी गवर्नमेंट में स्थानीयता नहीं। जैसे अभी झारखंड सरकार में क्या है कि यहाँ का जो हाई स्कूल जो इंटर पास होगा और जिसके पास स्थानीयता होगा उसको नौकरी दी जाएगी, चाहे संविदा हो चाहे गवर्नमेंट हो, लेकिन अपने यूपी में ये चीज़ नहीं है। तो मेरी गवर्नमेंट से यही कि इस चीज़ों को लागू करे, स्थानीयता करे, जो जो कॉन्ट्रैक्ट पे होते हैं वो काम उस, ना हो। हाँ नहीं, कॉन्ट्रैक्ट पे भी जो स्थानीयता स्थानीय हो, जो हाई स्कूल इंटर यहाँ से यूपी से पढ़ा उसको मिले, क्योंकि हर स्टेट का तो यही है ना। तो आपका क्या मुद्दा है, नहीं बता रहे? हाँ मैम, एक्चुअली महिला भी है, इनसे जानेंगे। मैम क्या नाम है आपका? रंजीता श्रीवास्तव, लेकिन मैं यहाँ घूमने आई हूँ। मैं यहाँ कहाँ से? बिहार से। बिहार से घूमना है, तो कैसा लगा? बेचो तो अच्छा लगता है। पहली बार आई है? पहले नहीं नहीं, बहुत बार आए हुए हैं। बदलाव देखा पहले से? हाँ बहुत है यहाँ बदलाव, पहले से बहुत अच्छा हो गया। विश्वनाथ मंदिर, ये यहाँ के ट्रैफिक रोड बहुत अच्छे हैं, पहले से बहुत अच्छे हैं। अभी बिहार? हाँ जी, हस्बैंड वाइफ हैं हम लोग। बदलाव दिखा है बनारस? हाँ अच्छा लगा, पहले से बहुत अच्छा। कभी तो आप नहीं है इसलिए हम वोटर सोचे नहीं थे उससे बेटर। 98 से हम लोग बनारस आ रहे हैं और 98 में और 2022 में बहुत डिफरेंस है। डिफरेंस तो खैर इयर्स का गैप, हर क्षेत्र में, हर क्षेत्र में। और योगी सरकार आने के बाद तो बहुत ही ज़्यादा। हम ये नहीं पूछेंगे क्योंकि आप वोटर्स नहीं है कि चुनाव में क्या हो रहा है। हाँ बदलाव आपको दिखा? हाँ बहुत बहुत ज़्यादा बदलाव। चलिए
तो देखिए इस वक्त मैं BHU के काशी विश्वनाथ मंदिर पे खड़ा था। यहाँ से हमने लोगों से जानना चाहा किसकी सरकार बनवा रहे हैं, क्या होगा आने वाली 10 तारीख में पता चल जाएगा। बहुत करीब है, कुल 7 दिन रहेगा, 7 दिन में क्लियर होने वाला है यूपी को अगला मुख्यमंत्री कौन मिला है। हम लगातार आपके साथ जुड़े रहेंगे, आप भी हमारे साथ बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।